गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स, वो प्रोनाउन चल रहा था, और प्रोनाउन में हमने रिलेटिव प्रोनाउन किया था, और उसके आज एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, बिकॉज क्योंकि ये 10th क्लास में भी है टॉपिक और 11th में भी है। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। द गर्ल इज माई सिस्टर, फुल स्टॉप, सी इज देयर। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो कॉमन थिंग फाइंड आउट करनी है। ओके, जो सिमिलर थिंग है वो फाइंड आउट करनी है इस सेंटेंस में। तो सबसे पहले कॉमन थिंग क्या है यहाँ पर? द गर्ल और सी, बिकॉज सी इज यूज फॉर दिस गर्ल। ओके स्टूडेंट, तो अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर क्या दिया हुआ है? हु। रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया हुआ है स्टूडेंट, और हु से इस सेंटेंस को कनेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, द गर्ल अब स्टूडेंट ये जो सी दिया हुआ है ये इस गर्ल के लिए दिया हुआ है, तो इसको हटा देंगे, इसको रिमूव करेंगे और इसके स्थान पर हु का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है। देयर आर टू सेंटेंसेस इन दिस क्लोज। अब यहां पर स्टूडेंट सी के स्थान पर हमने हु का यूज किया। अब ये जो सेकंड सेंटेंस है यहां पर, ये जो गर्ल दिया हुआ है सी जिसके लिए यूज हुआ था, तो द गर्ल जो सब्जेक्ट के तौर पर कार्य कर रही है, तो द गर्ल के जस्ट बाद सेकंड सेंटेंस को लिखते हैं हु इज देयर। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ पार्ट जो बच गया, से इस भाग जो इसका बच गया उसको नेक्स्ट लिखते हैं इज माई सिस्टर, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? द गर्ल हु इज देयर इज माई सिस्टर। नेक्स्ट इसी प्रकार से नेक्स्ट बनाते हैं, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, फुल स्टॉप, ही इज माई स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट हमें कॉमन थिंग फाइंड आउट करनी है कि इसमें जो सिमिलर चीज है वो कौन सी है। तो इसमें राम, फिर ही, बिकॉज ही इज यूज्ड फॉर राम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इस ही को रिमूव करेंगे या हाइड करेंगे और इसके स्थान पर हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट अब यहां पर ये जो प्रॉपर नाउन है, ये कौन सा नाउन है स्टूडेंट? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट अगर प्रॉपर नाउन दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर पर्सन है। तो यहां पर राम, नेक्स्ट कोमा का यूज करेंगे स्टूडेंट, हु इज माय स्टूडेंट। नेक्स्ट कोमा इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज माई स्टूडेंट, बिकॉज आई नो अबाउट राम, आई नो हिज नेम। ओके स्टूडेंट, आई नो हिम। ओके स्टूडेंट, सो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट, द गर्ल इज माई सिस्टर, सी इज देयर। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर गर्ल दिया हुआ है, ये क्या गर्ल क्या है? कॉमन थिंग है। अगर कॉमन थिंग दी हुई है स्टूडेंट तो हम कोमा का यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर प्रॉपर नाउन दिया हुआ है स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन दिया हुआ है तो हम
कोमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द गर्ल इज माई सिस्टर, ही हेल्प हर। अब ये स्टूडेंट हु यूज होता है फॉर सब्जेक्ट और ये यूज होता है ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, हु हुम विच हुज वेयर देट आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर ये जो हुम दिया हुआ है ये फॉर ऑब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है। ओके, फॉर पीपल बट ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। यहां पर अब इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस वी फाइंड कॉमन थिंग। ओके स्टूडेंट, द गर्ल हर, बिकॉज हर इज यूज्ड फॉर दिस गर्ल। ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द गर्ल हुम ही हेल्प इज माई सिस्टर। द गर्ल के बाद स्टूडेंट हुम का यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, एज ए सब्जेक्ट एक्शन कर रहे हैं। ओके, और ये हर किसके लिए यूज हुआ है, हर इज यूज फॉर दिस नाउन। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर अब द गर्ल हुम सेकेंड सेंटेंस का जो ये है सेंटेंस, यहां पर लिखेंगे ही हेल्प, बिकॉज हर इज यूज फॉर दिस गर्ल, तो हर को नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, वी विल नोट इट, वी विल नोट राइट इट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, मोहन इज ए गुड टीचर, आई एडमायर मोहन वेरी मच। और किससे कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट, इसे हुम से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हुम इज यूज्ड फॉर पीपल बट एज ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो अब यहां पर इन द इन दिस सेंटेंस वी फाइंड कॉमन थिंग सिमिलर। ओके स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस में सिमिलर थिंग क्या है, मोहन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट मोहन दिया हुआ है। अब यहां पर मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, मोहन यहां पर ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर मोहन ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम हुम का यूज करेंगे और हुम से इसे कनेक्ट करेंगे। तो मोहन हुम I admire very much is a good teacher. अब स्टूडेंट ये मोहन क्या है, यहां पर मोहन प्रॉपर नाउन है। मोहन क्या है, यहां पर प्रॉपर नाउन है। ओके, तो प्रॉपर नाउन यहां पर गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर नाउन हम कोमाज का यूज करते हैं, बिकॉज दिस सेंटेंस इज गिविंग प्रॉपर सेंस। ओके स्टूडेंट, एंड लिसनर कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, तो मोहन, मोहन जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है स्टूडेंट, रिलेटिव क्लोज होता है, उससे पहले कोमा और आफ्टर कोमा। तो मोहन कोमा हुम आई एडमायर वेरी मच इज ए गुड टीचर। अब अगर सेंटेंस को देखें स्टूडेंट, तो मोहन इज ए गुड टीचर,
ओके स्टूडेंट, फिर whom I admire very much. ओके स्टूडेंट, और ये जो मोहन है इसको जब whom से कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट, इस मोहन को जब whom से, ऑब्जेक्ट को जब whom से कनेक्ट करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये नहीं लिखते हैं, रिमूव हो जाता है. कब? जब हम whom से कनेक्ट कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, द फिल्म वॉज आफुल, फुल स्टॉप. वी सॉ द फिल्म लास्ट वीक. विच से कनेक्ट करना है इसे. ओके स्टूडेंट, तो विच थिंग्स. ओके स्टूडेंट, विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स. ओके, तो अब यहां पर क्या है, द फिल्म वॉज आफुल, फुल स्टॉप. वी सॉ द फिल्म लास्ट वीक. अब यहां पर स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन थिंग. ये भी कॉमन है एंड दिस वन इज कॉमन. ओके स्टूडेंट, अब यहां पर हमें पता है कि कॉमन थिंग ये है. ओके स्टूडेंट, द फिल्म विच वी सॉ लास्ट वीक वॉज आफुल. ओके स्टूडेंट, द फिल्म विच वी सॉ लास्ट वीक वॉज आफुल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दिस सेंटेंस इज नॉट गिविंग ए प्रॉपर सेंस. ओके स्टूडेंट, फिल्म, विच फिल्म, वी डोंट नो अबाउट दिस फिल्म. ओके स्टूडेंट, और इसमें फिल्म क्या है, यहां पर कॉमन थिंग है स्टूडेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू यहां पर कॉमन थिंग के कारण यहां पर हमने द फिल्म विच वी सॉ लास्ट वीक वॉज आफुल, तो हम कॉमास का यूज नहीं करते हैं. द कार रन्स वेरी फास्ट, फुल स्टॉप. आई बोट इट फ्रॉम लंदन. विच का यूज करना है स्टूडेंट? तो यहां पर इसमें जो कॉमन थिंग फाइंड आउट करनी है, तो कॉमन थिंग क्या है, द कार इज ए कॉमन थिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, आई बोट इट फ्रॉम लंदन. तो इट इज यूज्ड फॉर कार. तो ये क्या है, दोनों कॉमन थिंग है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, अब इसको विच से कनेक्ट करना है. विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स. द कार which I bought from London runs very fast. ओके स्टूडेंट, तो सेंटेंस बना कैसे, द कार विच आई बोट फ्रॉम लंदन रन्स वेरी फास्ट. ओके, नेक्स्ट, द मैन इज माय अंकल, द मैन इज माय अंकल, फुल स्टॉप. ही शर्ट इज ब्लू. तो इसे किसे कनेक्ट करना है स्टूडेंट, हुज से कनेक्ट करना है, और हुज इज सो. ओके स्टूडेंट, क्या सो करता है ये, पजेशन सो करता है, अधिकार. In this sentence, we find common thing. The man, his is used for
this man. Okay, student. The man is my uncle. Full stop. His shirt is blue. The man whose shirt is blue is my uncle. The man whose shirt is blue is my uncle. Okay, student. Next, I went to Goa, full stop. I celebrated my birthday there. Up in this sentence, we find common thing, Goa, and next, there. Because there is used for this noun, okay? Next, where is used for place. I went to Goa, where I celebrated my birthday. Is that clear, student? I went to Goa where I celebrated my birthday. There ka use nahi karenge. Okay, student? Because there is used for this noun. Okay, student? Next, the boy is fine. Now, full stop, he was injured. That se connect karenge, student. That is used for relate to persons animals and things. The boy is fine now, full stop, he was injured. The common thing is may find out karni student, the boy or he is used for this noun. Yahan par ye jo noun hai student, ye kya hai? Common. Okay? The boy that was injured is fine now. He ko student remove kar denge, hata denge. Okay? रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्ट करते समय ही को यहाँ से हटा देंगे. ओके स्टूडेंट, तो बनेगा कैसे, द बॉय दैट वाज इंजर्ड इज फाइन नाउ. ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन की, ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक जो रिलेटिव प्रोनाउन है. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो रिलेटिव प्रोनाउन थी स्टूडेंट, प्रोनाउन है, उसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की.
ओके स्टूडेंट, और आप उस एक्सरसाइज को घर पे बैठकर कंप्लीट कीजिए, ओके, और नेक्स्ट कीजिए उसकी एक्सरसाइज से, ओके। और अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, वाचक सर्वनाम। वी यूज reciprocal pronouns when two or more people do the same thing. We use reciprocal pronouns when two or more people do the same thing. Okay student, कि reciprocal में होता क्या है, या तो दो दो होंगे, ठीक है, या तो दो people, दो लोग होंगे, okay, दो person होंगे, या फिर दो से ज़्यादा person होंगे, ठीक है, और each other and one another are reciprocal pronouns. Each other and one another are reciprocal pronouns. Okay, each other is used for two people. Okay student, next, one another are used for more than two. Okay, each other is used for two people. Okay, one another are used for more than two. ठीक है, ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ओके, और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ओके। एग्जाम्पल्स, टीना एंड Tina and Rina are talking about each other. In this sentence there are two nouns, okay student, first and second, ओके, तो इसलिए इसके साथ जो यूज होगा वो कौन सा होगा, ईच अदर, ठीक है। टीना एंड रीना आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर, ओके, टीना और रीना एक दूसरे के साथ
बात कर रही हैं। नेक्स्ट, माय ब्रदर एंड आई हेल्प इन होमवर्क माय ब्रदर एंड आई हेल्प इन होमवर्क ईच अदर। In this sentence, there are two pronouns. Okay? In this sentence, there are two pronouns. So, we use each other. Okay? In this sentence. So, my brother and I help in homework each other. Okay? Next, the boys are fighting. The boys are fighting one another. The boys are fighting one another. Okay, student. तो यहां पर द बॉयज मोर देन टू है ना, दो से ज्यादा है बॉयज, तो इसीलिए यहां पर वन अनदर का यूज करते हैं। ओके, द नेबर्स quarrel with one another. The neighbors quarrel with one another. Okay? तो यहां पर ये क्या है, इन दिस सेंटेंस नेबर्स क्या है, मोर देन टू, ज्यादा है पड़ोसी, है ना, तो इसीलिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। टू से ज्यादा है, दो से ज्यादा इसमें है ना, नेबर्स काफी होते हैं, है ना, इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं बताया कि भी टीना एंड रीना जैसे दो है ना, इसमें क्या है, नेबर्स तो काफी हो गए, बॉयज भी काफी होते हैं, है ना, तो इसलिए मोर देन टू यूज हो तो वन अनदर का यूज करते हैं। ओके, यहां पर क्या बनेगा, द नेबर्स क्वार विद वन अनदर। ओके, तो ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है स्टूडेंट, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कंप्लीट हुआ, और आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, तो टेक केयर, बाय फॉर नाउ।